प्रदेश भर में चुनाव के साथ अब चुनावी चर्चाओं का माहौल भी गरमाने लगा है। प्रबुद्ध जनों से आम जन तक चर्चाओं का हिस्सा बनने लगे हैं। इस दौरान हमारा जनता की बात कार्यक्रम मजबूत कड़ी बनकर उभर रहा है, जिसके माध्यम से हम लोगों की राय और विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जनता की बात कार्यक्रम में हम आपको दिनेश जसोंदी के साथ लेकर चल रहे हैं खरगोन विधानसभा के ग्राम घोटिया और पिपरी। तो आइए चलते हैं हमारे कार्यक्रम जनता की बात में इन दोनों गांव और जानते हैं रहवासियों की इस चुनाव को लेकर आम राय। हमारे संवाददाता दिनेश जसोंदी के साथ जनता की बात में हम लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज जनता की बात के इस एपिसोड में हम ग्राम घोटियाओं के अंदर मौजूद हैं और यहाँ के लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। इन लोगों की राय जानेंगे कि इनको क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी, कौन सा दल मध्य प्रदेश में बाजी मारेगा, किस दल की सरकार होगी और खरगोन में कौन विजयी होगा, ये जानने का प्रयास करेंगे। और आज घोटियाओं के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों की राय। हमारे साथ जुड़ रहे, क्या नाम है दादा आपका? बिहारी पाटीदार। बिहारी पाटीदार, क्या लगता है क्या मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। ऐसे कौन से काम शिवराज सिंह ने किए जो आपको बहुत पसंद है? बहुत अच्छे काम किए शिवराज सिंह ने। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं? लाडली योजना। अच्छा, ये बहनों को पैसे दे रहे। अच्छा, सब ऐसे रोड पूरा बनाया, रोड सब अच्छे बनाए उसने, रोड वगैरह आपके अच्छे बनाए। हाँ, शिवराज सिंह के काम से आप संतुष्ट हो? कई जगह पे लोग ऐसा कहते हैं कमलनाथ जी 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे। नहीं, उसने कहा क्या नहीं कहा जो कर दियो। हाँ, वो कह दो दियो, कहा कर दियो उन्होंने। अच्छा, कर्जा माफ नहीं किया शिवराज सिंह? कमलनाथ जी नहीं कहा किया। इस बार कमलनाथ जी कह रहे हैं हम 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे किसानों का। नहीं कर खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार रवि जोशी, कांग्रेस से रवि जोशी, भारतीय जनता पार्टी से बालकृष्ण पाटीदार, क्या लगता है कौन जीतेगा? इसमें तो बराबर का टक्कर है। बराबर की टक्कर है। एक तरीके से घोटियाओं गांव है जो है पाटीदार बहुल है, मतलब सबसे ज्यादा पाटीदार वोटर है यहाँ। एक समाज के नाते आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जातिवाद चल जाता है, तो क्या लगता है आपको कभी कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जातिवाद चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप कहाँ, आपका नाम क्या है? कैलाश। कैलाश भाई, क्या लगता है आपको इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? शिवराज सिंह की। शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। शिवराज से आप संतुष्ट हैं? हाँ। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को लेके कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह को हटाया जाएगा, क्या लगता है मध्य प्रदेश में आप मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह को ही देखना चाहेंगे, दूसरा चेहरा भी देखेंगे? अच्छा, आप तो केवल उनको ही मानते हैं शिवराज सिंह को, कृष्णा सेठ को, मतलब बीजेपी से बालकृष्ण पाटीदार। रवि जोशी जीतेंगे या बालकृष्ण पाटीदार? किस्मत किस्मत की बात है। आप क्या देख के मतदान करोगे? जीती जाए किसको? कृष्णा सेठ, बालकृष्ण पाटीदार। अच्छा, मतलब बालकृष्ण पाटीदार, आपके गाँव में बालकृष्ण पाटीदार विधायक रहे, पूर्व विधायक रह चुके, कौन कौन से काम किए बालकृष्ण पाटीदार ने आपके गांव में? काम सी का जन दर्द अच्छा बढ़ाए धर्म तला कदी पूछे तो भी आज जनता की बात में घोटियाओं के लोगों की हम राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामकरण पाटीदार। रामकरण पाटीदार, क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों, क्या कारण है, क्या खुशी है बीजेपी के, कौन से कार्यों से आपको खुशी है? सब काम से खुशी है। सब कामों से खुशी है। एक दो काम गिनवा दीजिए बीजेपी के, कौन से काम बहुत अच्छे रहे आपको, अच्छे लगे? सब काम अच्छे अच्छे, रोड सड़क सब बनी रहा, लाडली बहना मिली रही। अच्छा, लाडली बहना मिल रही। खरगोन में क्या का गेहूँ मिल ही रहा है? अच्छा, मजदूरों को गेहूँ मिल रहा है। खरगोन में क्या स्थिति रहेगी, क्या लगता है? वहाँ भी बीजेपी जाओगा, बीजेपी आएगी। इन दोनों चुनाव नी गहमा गहमी के साथ खेतों में भी किसानों के काम चल रहे हैं, गेहूं की बुआई के काम, चने की बुआई के काम चल रहे हैं और किसान लोग खेती के साथ साथ चुनाव में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत पाटीदार। नवनीत पाटीदार, कहाँ, घोटियाँ रहते हैं? हाँ, घोटियाँ। क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? बीजेपी की सरकार ही बनेगी। बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। हाँ, हाँ। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। शिवराज सिंह से थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने मास्टर स्ट्रोक ये खेल दिया कि मुख्यमंत्री में नाम नहीं अभी तक किसी का फिक्स किया। अच्छा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर बदला जाएगा? हो सकता है। बदला जाना चाहिए, नहीं बदला जाना? नहीं बदला जाना, नहीं बदला जाना चाहिए। मतलब शिवराज सिंह से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की 15 साल, लगभग 15 साल सरकार रही। हाँ। बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी ने ऐसे कौन से काम किए जो आपको अच्छे लगे?
अभी फिलहाल स्थिति में बताऊँ तो जो कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी कर्ज माफ़ी की, उसमें बहुत सारे किसान डिफाल्टर हो गए थे, ओडी हो गए थे, इस कारण खाद बीज नहीं मिल रहा था। और जो अभी उन्होंने जो ब्याज लगा था वो माफ़ कर दिया और वापस नए सिरे से खाद बीज मिलने लग गया किसानों को। खरगोन विधानसभा में बालकृष्ण पाटीदार भारतीय जनता पार्टी से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से रवि जोशी जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? बालकृष्ण जी पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार, ये दोनों ही प्रत्याशी आपस में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार रवि जोशी एक बालकृष्ण पाटीदार को शिकस्त दे चुके हैं, तो रवि जोशी को बालकृष्ण पाटीदार एक बार हरा चुके हैं, इस बार क्या लगता है? इस बार बालकृष्ण पाटीदार जीत जाएंगे आराम से। बालकृष्ण पाटीदार जीत जाएंगे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, क्योंकि अगली बार जो कर्ज माफ़ी की झूठी जो घोषणा की थी उसमें बहुत सारे किसान आ गए थे लपेटे में। अच्छा, इस बार नहीं आएंगे। इस बार भी कमलनाथ कह रहे हैं 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे। नहीं नहीं, बत्ती है। अच्छा, बत्ती है। अच्छा, आपको लगता है कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? कुंदन पाटीदार। कुंदन पाटीदार, कहाँ, यहीं घोटियाओं के? घोटिया से। मध्य प्रदेश में क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा, किसकी सरकार बनेगी? भाजपा बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से जीतेगी, सरकार बनाएगी। भाजपा सरकार बनाएगी, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा भी चल रहा है कि शिवराज सिंह को हटाया जाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, वही दोबारा सीएम बनेंगे। दोबारा सीएम बनेंगे शिवराज सिंह, और हम उनको ही देखना चाहते हैं। अच्छा, खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी दोनों के बीच में आपस में टक्कर है, क्या लगता है कौन जीतेगा? बालकृष्ण पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार जीतेंगे। ऐसा कौन सा काम किया बालकृष्ण पाटीदार जी ने जो आपको बड़े पसंद आते हैं, क्या? मैं समाज में बहुत समाज दूसरे समाज को भी पाटीदार समाज को भी धर्मशालाएं दी। अच्छा। बहुत ज़्यादा विकास किया, तालाब दिए। अच्छा, आपको आप एक किसान हो, बहुत ज़्यादा विकास किया, आप एक किसान हो, किसान की नज़रिए से क्या देखते हो, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए? बहुत ज़्यादा, हम पार्टी को नहीं देखना चाहते, हमको विकास ज़्यादा पसंद है, हमारे क्षेत्र में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। विकास ज़्यादा हुआ है। हाँ। क्या नाम लिखते हैं? कुंदन पाटीदार। क्या नाम आपका दादा? आपका राधेश्याम पाटीदार। राधेश्याम दादा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? भाजपा की। भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ, ऐसा क्यों लगता है भाजपा की सरकार बनेगी? सरकार बहुत दे रही है। अच्छा, सरकार दे रही, क्या क्या काम किए सरकार ने? गाँव दे रहे, पैसा दे रहे, और क्या चाहिए अपनों को? गाँव दे रहे, पैसा दे रहे, और कौन से ऐसे काम है शिवराज सिंह के जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं? मकान दे रहे, वो काम भी पसंद है। अच्छा, खरगोन में क्या लगता है कौन जीतेगा? सेठ जी, तो सेठ जीतेंगे। बालकृष्ण पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार। हम निकले हैं घोटिया गांव के अंदरूनी गलियों में, पाटीदार बहुल क्षेत्र है। क्या नाम है आपका? गोविंद पाटीदार। गोविंद जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह की सरकार बनेगी, शिवराज सिंह एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। हाँ। खरगोन में क्या रहेगा, बालकृष्ण पाटीदार रवि जोशी दो प्रत्याशी, क्या रहेगा, किनकी जीत होगी? बालकृष्ण पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार ने ऐसे कौन से काम किए जो आप बालकृष्ण पाटीदार को ज़्यादा पसंद करते हैं? ये पिपरी तालाब बनवाया, धर्मशाला बनवाई। अच्छा, धर्मशाला बनवाई, पिपरी तालाब बनवाई। पिपरी तालाब से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, किस तरह का फ़ायदा मिल रहा है? बहुत सारे लोग यहाँ पाइपलाइन भी ले गया है, उससे गांव में भी पानी आएगा। अच्छा, और पेयजल की व्यवस्था भी हो रही है। पेयजल की व्यवस्था के साथ में खेती किसानी के लिए भी आपको पानी मिलता है। बालकृष्ण पाटीदार पूर्व में विधायक रह चुके हैं आपके गाँव में, और कौन से ऐसे ऐसे काम किए जो आप उनको पसंद करते हैं, क्या क्या काम किए हैं? बहुत सारे काम हैं, गिनवाएंगे तो गिना नहीं पाएंगे, इतने इन्होंने काम किए किसानों के लिए। मध्य प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी हो चुकी है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? तो अभी अपन तो ये कुछ ही बता सकते हैं क्या हो सकता है, फिर भी क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा? हो सकता है कांग्रेस की बन सकती है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी 18 महीने मुख्यमंत्री रहे थे, क्या लगता है उनका कार्यकाल और शिवराज का कार्यकाल, किसका कार्यकाल अच्छा रहा आपको? उनका कार्यकाल ठीक रहा, कमलनाथ जी का। ऐसे कौन से काम किए कमलनाथ जी ने जो आप उन्हें पसंद करते हैं? नहीं, अभी तो कोई वैसा काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा, आप जैसे कह रहे हो कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस ऐसे कौन से वादे कर रही है जिससे आपको लगता है कि कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी? किसानों, यार कांग्रेस के पक्ष, किसानों के पक्ष में कांग्रेस, किसानों के पक्ष में कांग्रेस। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया है, एक दो काम बता दीजिए यदि आपको अच्छे तो लगे। बहुत ही किया है काम, आपके मुख्य क्या याद है, काम अच्छे किए कमलनाथ जी ने, काम अच्छे पहले भी काम अच्छे। इस बार कमलनाथ जी कह रहे हैं 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, आपको लगता है किसानों के कर्जे माफ का वादा एक बार फिर कमलनाथ को जीत दिला पाएगा? हो सकता है, उम्मीद है। अगली बार में क्या था, 1 लाख तक माफ करा था, 1 लाख के अंदर, और बाकी सरकार भंग हो गई थी उनकी। आपका क्या नाम है? संदेश पाटीदार। संदेश पाटीदार, संदेश थोड़ा बाहर आइए।
आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार, कमलनाथ जी सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है कि कमलनाथ जी सरकार बना लेंगे, क्या कारण है? कमलनाथ जी का कार्यकाल अच्छा रहा था, उनके बहुत से वादे भी है जिनसे जनता प्रभा लाभान्वित हो सकती है, जैसे किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं की पेंशन भी 600 से 1200 रुपए हो जाएगी। अच्छा, इन वादों के साथ यदि कांग्रेस उतरती तो कांग्रेस जीत हासिल करेगी। हाँ, कमलनाथ जी ने कहा था 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में वादा निभा नहीं पाए थे। क्या लगता है इस बार कमलनाथ जी कह रहे हैं 2 लाख का फिर से कर्जा माफ करने का वादा कर रहे हैं, क्या उन्होंने वादा किया था और उन्होंने बहुत से किसानों का कर्ज माफ भी किया और आगे भी सरकार चलती तो किसानों का कर्ज माफ हो सकता था, पर सरकार भंग हो जाने के कारण वो नहीं कर पाए बाद में, क्योंकि जब वो सत्ता में नहीं रहे तो फिर किसानों का कर्ज कैसे माफ करेंगे। आप घोटियाओं के रहने वाले, खरगोन विधानसभा के अंदर आते हैं, खरगोन विधानसभा में कांग्रेस की ओर से रवि जोशी हैं और बीजेपी की ओर से बालकृष्ण पाटीदार, क्या लगता है कौन जीतेगा? अब ये तो बोलो दोनों का कांटे की टक्कर है, अभी कुछ भी नहीं बता सकते कि कौन जीत जाए। फिर भी आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रह सकता है, कुछ ऐसा गणित आपको लगता है और राजनीतिक गणित? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते, दोनों का पलड़ा भारी है फिलहाल। गोटियाओं की सबसे बड़ी खासियत हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस लोपित होती नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस के पक्ष के लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे, क्या नाम आपका, क्या नाम है? गोविंद। गोविंद भाई, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में आएगी बीजेपी की, बीजेपी की सरकार बनेगी। आपके गांव में ऐसा लगता है कि कांग्रेस वाले एक भी बिल्कुल बोलने वाले एक भी नहीं है, क्या क्या स्थिति है कांग्रेस की? देखो, ये चुनाव है, चुनाव अच्छा। का मामला ऐसा होता है कि लोग छिपे हुए रहते हैं। अच्छा, ऐसा छिपे हुए रहते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही आपको लगता है, बीजेपी की सरकार बन रही लगता है? खरगोन में कौन जीतेगा? खरगोन में रवि भाई का लगता है यार, रवि जोशी। जनता की राय जान रहे हैं, क्या नाम है आपका? सिद्धू पटेला। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब देखो, सामने वाला मतलब बताएगा वो तो अब जनता के हाथ में, जनता के हाथ में। अभी चुनाव आएगा, क्या देख के आप मतदान करोगे, क्या देखते हो एक अपने प्रत्याशी में, क्या खूबियां होनी चाहिए? ये मान के चलो कि मतलब शासन का विकास देख के, विकास को देख के। हाँ, विकास को देख के। खरगोन में क्या लगता है कौन सा दल बाजी मारेगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? देखो, वो तो नहीं बता सकते अपन, अभी स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश में सरकार रही, आप उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट रहे, क्या लगता है कैसा रहा उनका कार्यकाल? अच्छा रहा, अच्छा रहा। क्या एक बार फिर शिवराज बाजी मारेंगे मध्य प्रदेश में? हो सकता है, ऐसा अनुभव लग रहा। कहीं ना कहीं चुनावों में महिलाओं की भूमिका भी खास रहती है, क्या नाम है आपका? दीपिका पाटीदार। दीपिका जी, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्या अनुमान है? जनता पार्टी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको गवर्नमेंट की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ, मिलता है। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला अभी? लाली बहना योजना, संबल योजना, और बस अभी तो वही है, संबल योजना और लाली बहना योजना का आपको लाभ मिला है। क्या लगता है सरकार की योजनाएं कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, क्या लगता है? योजनाएं अच्छी है? हाँ, अच्छी, अच्छी योजना है। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में सरकार चलाई, उन्होंने मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट रहे, कैसा क्या रहा उनका कार्यकाल, क्या लगता है? उनका कार्यकाल अच्छा था, अच्छा रहा। अभी क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कैसा कुछ रहेगा? अभी तो ऐसे ही लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। गांव के गली मोहल्लों में कहीं ना कहीं नाई की दुकान और पान की दुकान चुनावी चर्चाओं के लिए खास रहती है, और इन लोगों के पास जो डाटा रहते हैं सबसे ज़्यादा विश्वसनीय डाटा, गाँव की सबसे बड़ी जानकारियाँ इनके पास ही रहती है। हम यहाँ एक सेन की दुकान पर हाजिर हैं, उनसे पूछते हैं, क्या लगता है सेन साहब, क्या नाम है आपका? पप्पू सेन। पप्पू भाई, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? आपके यहाँ तो अधिकतर चर्चाएं होती होंगी राजनीति की, लोग आते होंगे, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? यहाँ तो दोनों पार्टी के लोग आते जाते हैं, बीजेपी की बनेगी सर, और बीजेपी का माहौल ज़्यादा लग रहा है, बीजेपी का माहौल ज़्यादा लग रहा है। शिवराज सिंह की ज़्यादा चर्चा होती है आपकी दुकान? हाँ, होती है, शिवराज सिंह की चर्चा ज़्यादा होती है। लोग ये भी चर्चा करते होंगे कि भाई खरगोन में इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? अब हमारे गांव में तो माहौल है बीजेपी का, बीजेपी का माहौल है, मतलब बालकृष्ण पाटीदार का माहौल है। रवि जोशी भी विधायक रहे हैं, क्या लगता है बालकृष्ण पाटीदार भारी रहेंगे या रवि जोशी भारी रहेंगे, क्या? ये तो माहौल के हिसाब से बालकृष्ण पाटीदार भारी रहेंगे, बालकृष्ण पाटीदार भारी रहेंगे। एक और यहाँ पे सेम वाले भैया हैं, उनसे भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? पवन पाटीदार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार रही है, कैसा क्या कार्यकाल लगा आपको? एक नंबर कार्यकाल रहा। अभी जो है सरकार का
एक तरह से गठन होने जा रहा है, चुनाव हो रहा है, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है? सर उनका काम अच्छा है इसलिए। उनका काम अच्छा है, ऐसे कौन से काम किए शिवराज सिंह ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो आप उनको पसंद करते हो? शिवराज सिंह क्या सर, मोदी भी बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने भी देश को बहुत आगे किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही थी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कारण आप ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चर्चाएं अभी चल रही कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का चेहरा बदला जाएगा, दूसरा मुख्यमंत्री, क्या आप पसंद करेंगे दूसरे नए चेहरे को? नहीं सर, शिवराज सिंह को ही पसंद करेंगे। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं आप शिवराज सिंह को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हाँ। खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी दो प्रत्याशी। हाँ। कांग्रेस की ओर से रवि जोशी और बीजेपी की ओर से बालकृष्ण पाटीदार, क्या लगता है आपके ग्रामीण माहौल में किसकी पकड़ ज्यादा है? ग्रामीण माहौल में सर बालकृष्ण जी पाटीदार। बालकृष्ण जी पाटीदार, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है, क्या बालकृष्ण जी की जीत का कारण क्या रहेगा? सर उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया था, 10 साल पहले थे, बहुत बढ़िया काम किया था, धर्मशाला उन दी थी, हर गांव में धर्मशाला उन दी, इसके कारण उनको ज़्यादा मानते हैं। घोटियाँ गांव के अंदर हम लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम? महेश पाटिल। महेश, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसे कौन से काम किए भारतीय जनता पार्टी ने जो आप उसको पसंद करते हो? कौन से काम है नहीं जो किए हैं, सभी काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत सारी योजना, एक दो योजना गिना दीजिए भारतीय जनता पार्टी। वो तो आम जनता को मेरा अपने गिनाने से क्या होता है, उसका लाभ रहे लाडली योजना, बहन आयुष्मान जो योजना है, बहुत सारी है, अपने को नहीं ध्यान। अच्छा, खरगोन में क्या लगता है इस बार किसकी जीत होगी, बालकृष्ण पाटीदार रवि जोशी दो प्रत्याशी हैं, क्या लगता है? बालकृष्ण पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार पूर्व में विधायक रहे, आपके घोटियाओं में काम किए, बहुत अच्छे काम किए। क्या क्या काम किए आपके यहाँ? जो भी काम यहाँ, गांव की समस्या सभी हल की थी, ये धर्मशाला बनाई, पेयजल की व्यवस्था लगाई। अच्छा, और बहुत सारे काम किए। बहुत सारे काम किए, मतलब आपको लगता है बालकृष्ण पाटीदार जी? 100%। घोटियाओं की गलियों में हम लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, क्या नाम आपका? कैलाश। क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? हमारे को तो बीजेपी की लग रही है, बीजेपी की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। कौन कौन से ऐसे काम किए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? सभी काम अच्छे लगते हैं उनके। अच्छा, एक दो काम गिना दीजिए शिवराज सिंह के जो आप पसंद करते हो। अबे सभी है, अभी जैसे अनाज भी मिल रहा है, ये अपने आवास भी मिल रहे हैं। अच्छा, और लाड़ी लक्ष्मी बहना। अच्छा, ये योजना है। हाँ, शिवराज सिंह की ढेर सारी योजनाएं हैं, तो आपको लगता है कि शिवराज सिंह की सरकार बनेगी खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार बीजेपी से, कांग्रेस से रवि जोशी, क्या लगता है कौन जीतेगा? हमारे को तो बालकृष्ण पाटीदार का लगता है। बालकृष्ण पाटीदार जीतेगा, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है, कुछ ऐसा आपको कुछ? अब उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया किसी को आज तक, और ये तो सरकार जब से बनी है तब से देती आ रही है, किसानों को भी दे रही है, सबको दे रही है। बालकृष्ण पाटीदार पूर्व में विधायक रह चुके हैं, ऐसे कौन से काम किए जो आप पसंद करते हैं? सभी काम उसके हैं, यहाँ धर्मशालाएं भी दी है गांव में, फिर वो मंडी में भी सुधार किया है उन्होंने, बहुत काम किया है, इसी की बात नहीं। जनता की बात में अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम पिपरी में, और पिपरी के अंदर हम लोगों की राय जानेंगे, क्या नाम आपका? पवन मौर्य। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार प्रदेश में? बीजेपी की लगता है। बीजेपी की सरकार बनेगी। खरगोन में क्या स्थिति रहेगी, कौन जीतेगा? खरगोन में तो शायद कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी, रवि जोशी आएंगे, बालकृष्ण पाटीदार रवि जोशी जीतेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी प्रदेश में, ऐसे कौन से काम किए शिवराज सिंह ने? सर तो कानून व्यवस्था फर्स्ट क्लास हो गई है, उसके बाद जो भी अपना मतलब कि पब्लिक की जो मांग रहती है वो मतलब पूरी हो जाती है, पब्लिक की मांग पूरी हो जाती है। हाँ। और कौन से काम हैं जो शिवराज सिंह के आपको बहुत अच्छे लगते हैं? पर जो काम तो अपन को लगते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो काम हो ही जाते हैं। हो जाते हैं। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं एक बार फिर से भाजपा आएगी। आएगी। घोटियाओं की तरह ग्राम पिपरी भी पाटीदार बहुल क्षेत्र है, और पाटीदार वोटर यहाँ सबसे ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? नवनीत पाटीदार।
नवनीत भाई क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ। किसानों की सरकार बनेगी। कमलनाथ ने 15 महीने में बहुत काम किया, किसानों के बहुत सारे कर्ज माफ किए हैं। बहुत सारे किसानों के कर्ज माफ किए। माफ किया हाँ। कमलनाथ इस बार भी कह रहे हैं 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, क्या किसान विश्वास करेंगे उस पर? बिल्कुल विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे गाँव में 124 किसानों के कर्ज माफ हुए हैं 15 महीने की सरकार में, और 2 लाख तक के भी होते, बाकी सरकार बदल गई। सरकार बदल गई हाँ। इसलिए कर्ज माफी नहीं। कमलनाथ और शिवराज की सरकार रही लगभग भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से मध्य प्रदेश में काबिज है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अभी 2 महीने पहले ओलावृष्टि हुई, किसानों की फसल खराब हुई, 1 रुपये किसी को मुआवजा नहीं दिया, कोई पटवारी सर्वे करने नहीं आया। कोई पटवारी सर्वे करने नहीं आया। शिवराज सिंह तो खरगोन के अंदर घोषणा करके गए थे पटवारी जी सर्वे करेंगे, क्या स्थितियाँ रही? अभी तक नहीं आए ना, कोई किसान बोल नहीं सकता, कोई तहसीलदार नहीं बोलेगा कि सर्वे किया है कोई भी किसान का, पूरा खरगोन के किसी का सर्वे नहीं किया है। और कमलनाथ जी की सरकार में जब ओलावृष्टि हुई थी तो बगैर सर्वे से डायरेक्ट मुआवजा मिला था किसानों को, बगैर सर्वे के मुआवजा मिला था। शिवराज सिंह तो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, किसानों का बेटा कहते हैं। ये किसान हितैषी नहीं है, ये उद्योगपति हितैषी है। उद्योगपति हितैषी मतलब आपको भ्रष्टाचार की सरकार थी बीजेपी की, 18 साल से किसानों को 1 रुपये का लाभ नहीं मिला। किसानों को लाभ नहीं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान निधि चलाते हैं ना, और उसी में शिवराज 4,000 जोड़ के उसको 10,000 की राशि करते हैं, क्या लगता है? वो तो क्या है कि ऐसी राशि तो देते हैं, बाकी जो काम किसानों के करना चाहिए वो शिवराज सिंह से नहीं है। कमलनाथ की सरकार आएगी, खरगोन में भी 6 के 6 सीट कांग्रेस जीतेगी, और कमलनाथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार एक पाटीदार चेहरा है, पाटीदार चेहरा है, बाकी पाटीदारों के लिए कुछ नहीं किया। पाटीदारों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों लगता है आपको? किया ही नहीं ना सर, तो लगेगा विकास करते हैं तो हम बोलते हैं आपको, मतलब बालकृष्ण पाटीदार ने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया, आपका कहना है? रवि जोशी विधायक रहे आपके यहाँ, रवि जोशी जी ने काम किए? रवि जोशी जी ने 5 साल के कार्यकाल में 25 लाख का काम दिया ग्राम पिपरी में। अच्छा, 5 साल में 25 लाख रुपए के काम दिए हैं। बालकृष्ण पाटीदार की पिपरी उद्वहन को देन बताते हैं लोग, कहते हैं कि बालकृष्ण पाटीदार ने पूरी भ्रष्टाचार थी वो तो, कांग्रेस सरकार बनी और 110 करोड़ का रिटेंडर रवि जोशी ने पास करवाया कमलनाथ सरकार में, और डबल पिचिंग करवाई और डबल काम किया। पिपरी उद्योगन को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी देन बताती है, भारतीय जनता पार्टी की तो सर कांग्रेस की देन है, बहुत पहले इसका सर्वे हो गया था। कहीं ना कहीं आप पिपरी के रहवासी इस योजना को, पिपरी उद्वहन नर्मदा योजना को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण की स्थितियां बाकी रह गई, क्या लगता है ये कांग्रेस का काम है या बीजेपी का काम? कांग्रेस का काम है सर, बीजेपी में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है इस तालाब में, कांग्रेस की देन है। रीटेंडर हुआ था इसका 110 करोड़ रुपये पास करवा के लाए थे रवि जोशी जी कमलनाथ जी की सरकार में, और डबल इसका काम हुआ उसके बाद ही अच्छी चल रही, नहीं तो पहले तो डेली पाइप फूटते थे इसके, पूरा भ्रष्टाचार हुआ था, पाइप भी नहीं दबे थे बराबर। हम मौजूद है पिपरी के राधा कृष्ण मंदिर में, यहाँ कुछ लोग बैठे उनसे बातचीत करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? 50-50 चल रहा है सर। 50-50 मतलब दोनों पार्टी 50-50 50-50 मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है, आप शिवराज के कार्यों से कितने क्या संतुष्ट है, कैसे कह रहा है उनका काम? बिल्कुल 50% बढ़िया रहे उनके काम, 50% बढ़िया रहे बिल्कुल। इस बार क्या लगता है कौन सरकार बनाएगा? कह नहीं सकते। खरगोन में क्या स्थितियाँ रहेगी? बढ़िया है सर। क्या स्थिति रहेगी बालकृष्ण पाटीदार रवि जोशी? दोनों का समान लेवल चल रहा है, समान लेवल चल रहा है। जिस दिन तारीख घोषणा होगी उसी दिन मालूम पड़ेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, मतलब अभी स्पष्ट स्थितियां नहीं है। स्थिति चुनाव में आमजन की राय सबसे बड़ी अहमियत रखती है, और आमजन जो कहता है वो चुनाव में कहीं ना कहीं डिसीजन के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है आपका? कैलाश पटेल। क्या लगता है इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे कौन से काम के बीजेपी ने जो आप बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हो? बहुत अच्छा, राज्य और केंद्र दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। खरगोन में क्या लगता है बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी किसकी जीत होगी? बालकृष्ण पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार पूर्व में विधायक रह चुके हैं, 4 बार 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार का चुनाव लड़ चुके हैं, 1 बार चुनाव हारे हैं।
क्या ऐसे कौन से काम किए आपके यहाँ, कैसा क्या विकास किया आपके? सब बहुत अच्छा काम किया है। पिपली उद्यान को लेके कई लोग कहते हैं कि बालकृष्ण पाटीदार की देन नहीं है ये, कांग्रेस की देन है, क्या? बहुत दिया उसने, बहुत कुछ दिया, बहुत दिया। आपके गांव में कैसे क्या क्या काम किए बालकृष्ण पाटीदार ने? हमारे गांव में सभी गांव में खरीदे किए, गांव में हर गांव में उसने धर्मशाला दी है। अच्छा, मतलब इस बार बालकृष्ण पाटीदार की जीत होगी आपको लगता है? बराबर। चुनाव में बुजुर्ग मतदाता अपने बुजुर्ग और अनुभव के कारण जाना जाता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता जुड़ रहे हैं, क्या नाम है दादा आपका? तुलसीराम। तुलसीराम जी, दादा क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, किसको क्या? अब क्या पता किसकी बनेगी। अच्छा, आप क्या देख के मतदान करोगे, क्या देखते हो एक प्रत्याशी में, क्या खूबियां होनी चाहिए? समय पे आ जाए वो बात खरी है, समय पे आ जाए, जिसको समय पे आएगा उसको मतदान करोगे, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, समय के ऊपर मतदान करना भी चाहिए। वोट डालते हो हर साल? हर बार वोट डालते हो? इतने सालों से वोट डाल रहे हो, क्या अनुभव, कैसा अनुभव रहा है आपको? बहुत लंबा समय होगा, कितनी उम्र है आपकी? हमारी होगा 80। 80 साल की उम्र से दादा तुम्हारी, 80 साल में कई चुनाव तुमने देखा होगा, पहला का चुनाव में आब का चुनाव में क्या अंतर महसूस करो, कसो लगे जा वो? अच्छा लगे यार, अच्छा लगे। जब हर साल हर चुनाव में जब आप वोट डालते हो, अपने अधिकार का वो करते हो, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इस बार जब आप वोट डालोगे, क्या देख के वोट डालोगे, क्या आपका पैमाना क्या रहेगा? जो भी समय पर आ जाए। अच्छा, आज कहीं नहीं सकता वो। अच्छा, खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी दो प्रत्याशी, कांग्रेस की ओर से रवि जोशी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बालकृष्ण पाटीदार है। अच्छा, क्या लगता है कौन जीतेगा आपको? कौन जीतेगा, आप जिनको किस्मत हो वो जीतेगा। किस्मत के ऊपर निर्भर करता है, बस किस्मत, कोई भी किस्मत जो वो जीतेगा, जिसकी किस्मत होगी वो जीतेगा। बहुत बढ़िया, शुरू से इस तरह से मतदान करते हैं? शुरू से इस तरह से मतदान करते हैं, बस बहुत अच्छी बात है। शुरू से हम मौजूद हैं ग्राम पिपरी में ही, और यहाँ लोगों से राय जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? महादेव भाई। महादेव भाई, क्या लगता है, महादेव भाई पाटीदार जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, उनका कार्यकाल कैसा क्या लगा आपको, कैसा रहा? चलाया कार्यकाल, बाकी कोई खास नहीं रहा। कोई खास नहीं रहा। खरगोन में क्या लगता है कौन जीतेगा? रवि भाई। रवि भाई जोशी जीतेंगे। रवि भाई पूर्व में विधायक रह चुके हैं, 5 साल विधायकी की उन्होंने। आपके गांव में क्या क्या काम किए? क्या बहुत किए, बहुत काम किए। क्या कौन कौन से काम किए? एक दो काम, सेट, वो सेट भी दिए, वो सेट बनवाते कि तीन से तीन से तीन से दिए। और क्या क्या दिया? वो दरवाजा में दिए 5-7 लाख रुपए। अच्छा, और बहुत से मंदिर में दिए, ये वो धर्मशाला में दिए। मतलब रवि जोशी जी ने आपका, आपके हिसाब से काम अच्छा काम अच्छा किया। इस बार रवि जोशी जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। पिपरी जो है पाटीदार बहुल क्षेत्र है, मतलब पाटीदार वोटर ज़्यादा आए हैं, और बालकृष्ण पाटीदार एक आपके जाति वर्ग से आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये जाति का सवाल है, इसमें राजनीति में है, राजनीति में तो जो काम अच्छा करता है, आगामी वचन पत्र में जो घोषणा की है, वो घोषणा के माध्यम से लोग देंगे फायदा जा। अरे अच्छा, कौन कौन सी घोषणा है बालकृष्ण को अपने कमलनाथ जी के, कौन कौन सी घोषणाएं आपको अच्छी लगी है? 2 लाख तो हमारे कर्जा माफ होगा, 2 लाख बिजली बिल माफ होंगे। अच्छा, उसके बाद लाली लक्ष्मी योजना को भी मतलब अच्छा उन्होंने बताया, वो कागज में है उनके घोषणा पत्र में। फिर ये 2500-2600 रुपये गेहूँ के समर्थन मूल्य देंगे। अच्छा, मतलब इन घोषणा पत्र के आधार पे आप मानते हो कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार? कमलनाथ न, वो काम भी किया नहीं, अब सरकार 15 महीने रही नहीं तो और भी काम करते हो। अच्छा, ये अपने सिंधिया ने गद्दारी की और विधायकों को तोड़ ले गया कहीं ना कहीं, मतलब आपको लगता है कि शिवराज और सिंधिया ने मिलकर गद्दारी कर दी, ये आपके हक को छीना गया? छीना गया, वो 25-25 करोड़ रुपए देके उनको खरीद लिया। हम मौजूद है पिपरी के गली मोहल्लों में, और पिपरी में हम लोगों की राय जान रहे। क्या नाम है आपका दादा? महादेव भाई, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रदेश में किसका पलड़ा भारी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भाजपा का। खरगोन में क्या लगता है कौन जीतेगा? बालकृष्ण पाटीदार। आपका क्या नाम है? बलिराम। बलिराम भाई, क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इस बार? तो अपन तो कोई राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, कोई पता नहीं। आप जब मतदान करोगे अपने प्रत्याशी के अंदर क्या खासियत देखोगे, क्या? मतदान करने जाना डाल आएंगे।
दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नीनेया। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कमल का फूल या हाथ का पंजा? वो तो भगवान को मालूम। भगवान को मालूम? हाँ। आप किसको वोट दोगे, क्या लगता है? नहीं हाँ, कोई को नाम नहीं बताऊँ। अच्छा हाँ। आप इतने साल से वोट कर रहे हो, पहले के वोट में और आपके वोट में क्या परिवर्तन है, चुनाव में क्या अंतर लगता है आपको, कैसा लगता है आपका चुनाव पहले का चुनाव? कितनी उम्र है आपकी? 90 साल। 90 साल की उम्र है, 90 साल में कई चुनाव आपने देखे हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसा लगता है जब वोट डालने जाते हो, कैसा महसूस करते हो, कैसा लगता है? अरे सब जीतते तो सब अच्छा लगता है अपन को। सब जीतते तो सब अच्छा लगता है? हाँ? मतलब आप किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, किसी भी पार्टी की तरफ नहीं है, कोई सी भी पार्टी तरफ नहीं हो आप? यहाँ पिपली में हम लोगों की राय जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी भाई क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी? हाँ। अच्छा, कांग्रेस ने ऐसे कौन से काम किए जो आपको अच्छे लगते हैं, कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं? कांग्रेस जीतेगा, कांग्रेस ने बहुत काम करा। आज जनता की बात में हमने गांव घोटिया और पीपरी के लोगों की राय जानी, लोगों के राय विचार जाने, लोगों का चुनाव को लेकर क्या कहना है जाना। दादा ने इसके पूर्व एक दादा ने बहुत अच्छी बात कही कि लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मतदान जरूर करना चाहिए, लोकतंत्र के इस पर्व में आप भी अपना मतदान जरूर करें। SW24 न्यूज मध्य प्रदेश की पूरी टीम आपसे अनुरोध करती, विनम्र अपील करती है कि इस चुनाव में 17 नवंबर को आप भी मतदान जरूर करें, अपने अधिकार का पूरी तरीके से प्रयोग जरूर करें। वोट डालना आपका अधिकार है और आपका इस सबसे बड़ा अधिकार, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार हमें दिया गया है अपने मतदान का, अपने मत का प्रयोग करने का। तो हम सभी हमारे मत का प्रयोग करें। SW24 न्यूज मध्य प्रदेश की पूरी टीम की ओर से आप सभी से निवेदन है कि 17 तारीख को आप मतदान जरूर करें और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति जरूर प्रदान करें। आज की जनता की बात में इतना ही, आगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।